हेलो दोस्तों, द ग्रेट थॉट्स चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसके हमारे चार ऑप्शंस हैं। पहला है अनिरुद्ध, दूसरा है अंतिम पंघाल, तीसरा है केशव राणा और चौथा है विकास यादव। तो हमारा इसका आंसर है बी, अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरा है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ चौथा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया? तो इसके ऑप्शंस है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और इथियोपिया। तो इसका आंसर है हमारा डी, इथियोपिया। भारत ने इथियोपिया देश के साथ चौथा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। और अगला है दोस्तों, भारत के व्यापारिक निर्यात में अप्रैल से सितंबर तक कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसके हमारे ऑप्शंस है 14%, 15%, 12% और 17%। तो इसका आंसर है हमारा बी, 15%। भारत के व्यापारिक निर्यात में अप्रैल से सितंबर तक 15% की वृद्धि हुई है। और अगला है दोस्तों, प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसके ऑप्शन है हमारे 1878, 1930, 1975 और 1925। तो इसका आंसर है डी, 1925। वर्ष 1925 में विश्व पशु दिवस की शुरुआत की गई थी। और अगला है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में गेल के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इसके ऑप्शंस हैं सुनील अवस्थी, संदीप कुमार गुप्ता, विकास अग्निहोत्री और मनोज जैन। तो इसका आंसर है बी, संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता ने अक्टूबर 2022 में गेल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। और अगला है दोस्तों, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं कबीर खान, अनिल कुमार, विशाल बनर्जी और कविता रेड्डी। तो इसका आंसर है हमारा बी, अनिल कुमार। अनिल कुमार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। और अगला है दोस्तों, हाल ही में फोनपे ने अधिवास को सिंगापुर से किस देश में स्थानांतरित किया? तो इसके ऑप्शन है हमारे चीन, अमेरिका, भारत और मलेशिया। तो इसका आंसर है सी, भारत। फोनपे ने अधिवास को सिंगापुर से भारत में स्थानांतरित किया। और अगला है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसके ऑप्शंस है हमारे अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौथा है पीयूष गोयल। तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अगला है दोस्तों, हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शंस हैं मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा और माधव हाडा। तो इसका आंसर है डी, माधव हाडा। माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।